बीएमएस एकेडमी में आपका स्वागत है। हमारी ये वीडियो ट्यूटोरियल की जो सीरीज है ये सी लैंग्वेज से संबंधित है, परंतु सबसे पहले हम लैंग्वेज की जानकारी लेंगे, जिसमें चैप्टर वन में इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज की जानकारी लेंगे हम। इसमें सबसे पहले हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जिनकी जानकारी हम इस अध्याय में लेंगे, जैसे कि व्हाट इज प्रोग्राम, प्रोग्राम क्या होता है, व्हाट इज लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या होती है, हाउ डज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्क, किस प्रकार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कार्य करती है, व्हाट इज ए कंपाइलर, एक कंपाइलर क्या होता है, सोर्स प्रोग्राम टू exe फाइल, सोर्स प्रोग्राम क्या होता है, exe फाइल क्या होता है, और इसमें सोर्स प्रोग्राम को कैसे exe फाइल में बदला जाता है। इस बेसिक क्वेश्चन को हम इस अपने पहले अध्याय में पढ़ेंगे और फिर जानकारी लेंगे इन सबके बारे में विस्तार रूप से, और किस प्रकार से ये सभी सी लैंग्वेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। सी लैंग्वेज में कार्य करने से पहले हमें इन सभी प्रश्नों के उत्तर की जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं प्रोग्राम के बारे में। हम अपने कंप्यूटर में विंडोज 7 में दिए गए सिंपल सॉफ्टवेयर पेंट की बात करते हैं। यहाँ हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट पेंट दिया गया है। इस पिक्चर में यदि आप देखें तो मैंने एक कमांड का एग्जाम्पल लिया है जो कि कॉपी कमांड है। कॉपी कमांड का कार्य रहता है एक ऑब्जेक्ट को कॉपी करके उसका डुप्लीकेट तैयार करना। यदि आप किसी भी इमेज का डुप्लीकेट तैयार करना चाहते हैं तो आप यदि किसी भी इमेज को कॉपी करना चाहते हैं तो आप कॉपी कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। तो कॉपी कमांड डुप्लीकेट बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। माइक्रोसॉफ्ट पेंट में ये सबसे बेसिक कमांड्स में से एक है। इसी तरह से मैंने एक दूसरी कमांड का उदाहरण लिया है जो कि कट कमांड है। कट कमांड का प्रयोग किसी इमेज में से कुछ कंटेंट को मूव करने के लिए किया जाता है। देखिए, जैसे ये जो इमेज पूरी थी इसको मैंने काट के इस तरफ मूव कर दिया है। तो इस तरह से कट कमांड का प्रयोग एक इमेज के टेंट को मूव करने के लिए प्रयोग किया जाता है। हमने जो दो कमांडें उदाहरण के रूप में देखी, कट और कॉपी, इन दोनों कमांड्स के बारे में यदि हम बात करें तो ये दोनों का अलग अलग कार्य रहता है और ये दोनों पेंट में अवेलेबल है। हम इसको थोड़ी दूसरी तरह से कह सकते हैं कि ये दोनों दो अलग अलग प्रोग्राम्स हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि कट अलग प्रोग्राम है और कॉपी अलग प्रोग्राम है, और जिनका कार्य अलग है। कॉपी का कार्य एक कंटेंट का डुप्लीकेट तैयार करना होता है, जबकि कट का कार्य किसी कंटेंट के पार्ट को मूव करना होता है। तो दोनों प्रोग्राम्स का कार्य अलग अलग रहता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जिस प्रकार से हमने कट कॉपी को देखा, इस प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट पेंट में काफी सारी कमांड्स अवेलेबल हैं, अर्थात काफी सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, जिसमें देखें हमारे पास उदाहरण यहाँ पे हैं, कट, कॉपी, पेस्ट, सेव, सेव एज, इस तरह के काफी सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स यहाँ अवेलेबल हैं, और इन सभी प्रोग्राम्स का कार्य अलग अलग रहता है। लेकिन यदि इन सभी प्रोग्राम्स को मैं इकट्ठा कर दूं तो इन सभी प्रोग्राम्स को मिला के एक बड़ा सॉफ्टवेयर तैयार किया जाता है, जो कि हमारे पास यहाँ माइक्रोसॉफ्ट पेंट के रूप में उपलब्ध है। इसका यह भी अर्थ हुआ किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए काफी सारे प्रोग्राम्स की आवश्यकता रहती है, और जैसे हमने अपने उदाहरण में देखा कट कॉपी दो प्रोग्राम थे और यहाँ पे काफी सारे प्रोग्राम्स दिए गए हैं। इन सभी प्रोग्राम से मिला के एक सॉफ्टवेयर बनाया जा सकता है, जिस प्रकार से हमारे सामने पेंट का एक एग्जाम्पल अवेलेबल है। अब यदि हम प्रोग्राम की बात करें तो यहाँ हमारे पास एक क्वेश्चन उपलब्ध है, सो व्हाट इज ए प्रोग्राम, प्रोग्राम क्या होता है। ए प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स ए कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। एक प्रोग्राम एक सेट होता है काफी सारी इंस्ट्रक्शंस का, जो एक कंप्यूटर को कुछ स्पेसिफिक टास्क करने का आदेश देती है। इसका अर्थ ये हुआ कि कट प्रोग्राम अलग कार्य करता है, उसकी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अलग है, और कॉपी अलग कार्य करता है, उसकी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अलग है, और इस प्रकार से हम काफी सारे प्रोग्राम बना सकते हैं। और ये सभी प्रोग्रामों का मुख्य कार्य कंप्यूटर से किसी न किसी कार्य को लेना होता है, और सबका कार्य भी अलग अलग रहता है, जिसमें कंप्यूटर को अलग अलग तरह की टास्क करनी पड़ती है, अलग अलग तरह के कार्य करने पड़ते हैं, और ये कार्य प्रोग्राम के अनुसार, प्रोग्राम की सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के अनुसार होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि प्रोग्राम किस प्रकार बनाए जा सकते हैं। हमने यहाँ कट का एग्जांपल लिया, कॉपी का एग्जांपल लिया, उसके अलावा भी हमारे पास सेव, सेव एज, काफी सारी कमांड्स या प्रोग्राम अवेलेबल थे। तो ये प्रोग्राम किस प्रकार बनाए जा सकते हैं। प्रोग्राम्स बनाने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जानकारी होना आवश्यक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने प्रोग्राम बना सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो उपलब्ध है वो है, व्हाट इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। वो लैंग्वेज जिसका प्रयोग हम
अपने प्रोग्राम्स बनाने और डेवलप करने में करते हैं उसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, अर्थात जिस लैंग्वेज के द्वारा प्रोग्राम बनाए जाते हैं उस लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। उदाहरण के तौर पे मुख्य हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस उपलब्ध हैं सी, सी प्लस प्लस, जावा, VB6, .NET और इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी लैंग्वेजेस उपलब्ध हैं। यहाँ यदि हम इसकी परिभाषा की बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज है जिसका प्रयोग कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शन प्रदान करने के लिए किया जाता है और जो पर्सन या जो व्यक्ति प्रोग्राम्स बनाता है उसे हम प्रोग्रामर कहते हैं। ये प्रोग्राम वह प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का प्रयोग करते हुए बनाता है। तो इस प्रकार हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो माध्यम है जिससे हम अपने प्रोग्राम बना सकते हैं।